भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मोतीचक मध्य विद्यालय में स्कूल हेडमास्टर के द्वारा छात्रों से 2 अक्टूबर को साफ सफाई करने के दौरान जहरीले सांप डसने से क्लास 2 के छात्र 10 वर्षीय आदित्य कुमार की हुई मौत। इसको लेकर छात्रों के परिजनों ने स्कूल में हेडमास्टर के खिलाफ नाराजगी जताई और स्कूल हेडमास्टर को स्कूल के बच्चों के द्वारा सफाई कराने को लेकर हेडमास्टर अरविंद कुमार और कौशल किशोर को लेकर आरोप लगाते हुए कहा, बच्चों से हर रोज़ स्कूल की सफाई कराई जाती थी। वहीं मध्य विद्यालय मोतीचक स्कूल के शिक्षक ने भी कहा, हेडमास्टर के द्वारा बच्चों से स्कूल की सफाई कराई जाती है। मृतक आदित्य कुमार मोतीचक के रहने वाले बांसुकी मंडल के पुत्र जो कि मध्य विद्यालय मोतीचक स्कूल में क्लास 2 के छात्र था। एक तरफ अपने बेटे की मौत से मृतक आदित्य कुमार की मां की हालत गंभीर है जो कि अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के हेडमास्टर साहब ट्रेनिंग का बहाना बनाकर स्कूल में नज़र नहीं आए, लेकिन स्कूल के शिक्षक इस मामले से इनकार कर रहे हैं। स्कूल में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन मृतक की मां और परिजनों का कहना है, आदित्य कुमार स्कूल से घर आने के दौरान झूमते हुए घर आया। घर में अपनी मां को बताया भी था, स्कूल में सफाई कर रहे थे, मुझे सांप ने काट लिया है। इसको लेकर मृतक आदित्य कुमार के मां और पिता ने आनन-फानन में रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में लाया भी था, जिसमें डॉक्टर ने इलाज करने के दौरान मृतक घोषित कर दिया। आखिर सवाल क्यों ना करें, शिक्षकों की मनमानी की वजह से स्कूल के छात्र की मौत हो गई। घटना कैसे घटा? मारे बात के बोल अच्छा बच्चा कैसे मौत होली बता दो। ये साफ सफा सफा जो करवाए थे के मास्टर चले गए यहाँ, फिर टीचर साफ करवाया बच्चा। हाँ, बच्चा शिक्षक जो बच्चा से सफाई करवाया है। ये लो है, ये लो तो ना, हम लोग करवाते साफ सफाई है, हम लोग का थाना में बच्चे के रूटीन में है, बच्चे साफ सफाई किया जिसमें बच्चे को कहा था उसमें आप हम लोग को मांग रही है, हम लोग वही करवाएंगे। पंचानंद सर है ऐसा वही करवाई करता था ना, रोज करवाता था ना हिसाब से ना, जैसा गंदा आदमी सड़क करे हेडमास्टर सफाई करवाता है बच्चे से करवाते हैं।